किधर है किधर है? गौतम बुद्ध पार्क। और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। क्या हुआ, तुमको टिकट नहीं मिला यार? चेंज की प्रॉब्लम पड़ गई यार। तो यहाँ पे हमने टिकट ले लिए हैं, एक टिकट की कॉस्ट पड़ी है 10 रुपए। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आप भी हमें देख रहे हैं, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज राजन सोलंकी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज आया है लखनऊ के गौतम बुद्ध पार्क और हम लोग यहाँ कर रहे हैं आज का व्लॉग, और आपको यहाँ के बारे में और इसके बारे में दिखाएंगे कि भैया यहाँ पे जो माहौल है ना, वो थोड़ा सा रंग मिजाजी रहता है। जब भी आप आएंगे दर्शन ही पाएंगे। और मेरे साथ है संदीप शेखर, और आज जैसे तो हम लोग गौतम बुद्ध पार्क के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। हम लोग को थोड़ा वीडियो थोड़ा सतर्क रह के बनाना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि यहाँ मनाही है या मनाही नहीं है, बट इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारे जोड़े आते हैं, किसी की गर्लफ्रेंड किसी के साथ, किसी का बॉयफ्रेंड किसी के साथ, ऐसा होता है। ठीक है, खुद की गर्लफ्रेंड खुद के साथ कभी नहीं आती है। शेखर की गर्लफ्रेंड देख लो, उसके पति के साथ में है, तो ऐसा है माहौल चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे गौतम बुद्ध पार्क में हैं, और शेखर तुम काफ़ी दूर चल रहे हो, थोड़ा चिपक के चलो ना। चिपक देखो, मतलब वो मत समझो, वीडियो के अंदर नहीं आ रहे हो इसीलिए हमने सोचा। मैं समझ। और धूप आज काफ़ी अच्छी है, बहुत तगड़ा मौसम बन रखा है, ये काफ़ी अच्छा है बच्चों के तौर पे, घूमने के तौर पे काफ़ी अच्छा है, और आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे एंजॉय करेंगे। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं 18 साल के, तो वो भी एंजॉय करेंगे, वो हमें अकेले देख कर नहीं एंजॉय करेंगे, मतलब माल वाल देख के, लड़की उड़की देख के एंजॉय करेंगे। तो और ये सब आपको यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, ये किसी ज़माने में बहुत ही अच्छी इसकी हालत थी, आज इसकी हालत थोड़ी तंग हो गई, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये झूला बंद हो चुका है परमानेंट, और किसी ज़माने में बहुत ही अच्छा झूला था, मात्र 2 से 3 साल पहले मेरे हिसाब से जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से ये मेरे हिसाब से बंद पड़ गया है, और लॉकडाउन कोरोना की वजह से सारे जितने हैं सबका काम तमाम हो चुका है, जितने भी झूले थे बच्चों के अब फ़िलहाल वो तबाह हो चुके हैं। अभी मैं बुद्धा पार्क के थोड़े से बाहरी एरिया में आया हूँ, जहाँ बच्चों का मेन जगह होती है, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अक्सर घूमना और अपना झूला झूलना पसंद करते हैं। सारे झूले हैं सब खंडहर हो चुके हैं, सबकी हालत एकदम तहस नहस हो चुकी है, देख सकते हैं पूरी तरीके से इसका मशीन अंजर पंजर खंजर सब हो चुका है। एक घर बहुत परेशान है, पता नहीं काहे परेशान हो। परेशान कहाँ है, वीडियो नहीं बननी इसलिए तो नहीं परेशान हो? नहीं बिल्कुल नहीं है। तो धक्का लगाओ यार, देखें चलेंगे ना। अरे हवा निकल चुकी है, ठीक है, सिर्फ एक झूला काम का है। अब वो पीछे देख रहे हैं आप, ये वाला, इसके अलावा कोई भी झूला काम का आपका नहीं है। तो ये बच्चों का एरिया था, यहाँ पे बच्चों वाला खेल खिलौना वाला झूला वाला होता है, और सिर्फ यही बचा हुआ है। यहाँ पे पहले उस जगह पे टिकट मिलता था, अब सब कुछ ख़राब हो चुका है, क्योंकि हालत ही ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पे सब कुछ ख़राब हो चुका है। और अब देखते हैं आगे का, यहाँ तो अभी हम लोगों ने इस एरिया इस लोकेशन का शूट करा है, ये बच्चों का इलाका है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि बीचों बीच मेन आपका बुद्धा पार्क है, वहाँ कैसा लगेगा और वहाँ कैसा रहेगा माहौल। वहाँ पे थोड़ा सा शायद आपको गुपचुप गुपचुप दिख जाए, गुपचुप गुपचुप समझ रहे हैं ना, वो दिख जाए, बट मैं वो शूट नहीं करूँगा। अगर आपको वो देखना है तो आप पर्सनली आके देख सकते हैं, लबालब एकदम, मतलब मस्ती छाया करती है और हम उसको वो बता नहीं सकते। और ये देखिए सबकी हालत एकदम खस्ता हो, ये देखिए आप, यहाँ पे टिकट मिला करता था, और अभी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी हालतें और बहुत सारी दिक्कतों से तंग आ चुका है ये आपका बुद्धा पार्क, मतलब धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। अब आगे का देखते हैं, आगे का क्या है माहौल, मतलब कि मैं जब यहाँ पे 3 से 4 साल पहले आया था तो वो बहुत ही अच्छी हालत में था, ये कैंटीन हुआ करती थी, और आज कैंटीन में सिर्फ और सिर्फ कुछ पुराने बर्तन, वो भी बदतमीजों ने धुले नहीं हैं, और प्लेटें हैं, ये सब आपको दिखाता हूँ, पुराने बर्तन, इसकी हालत
जर्जर हो गई है। इसका कारण कोई किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो पेंडेमिक अटैक आया था यानी कोरोना आया था, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, और काफ़ी अच्छा है नेचर के तौर पर। अगर आप इसको देखेंगे तो नेचर के तौर पर काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, ठीक है। और शायद एक ही यहाँ पे कैंटीन खुली हुई है, बाकी जो कैंटीन है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं और सारा सब कुछ बंद हो चुका है। किसी ज़माने में ये झरना बहुत अच्छा, मतलब फॉस शॉवर क्या बोलते हैं उसको, फाउंटेन बहुत अच्छा हुआ करता था यहाँ पे। अब जो है फाउंटेन के नाम पे कुछ नहीं रह गया है। अब मैं आपको उस तरफ से दिखाना चाहूँगा स्टार्टिंग से। अब हम लोग आपको दिखाते हैं इसकी शुरुआत से लेके अंत तक का माहौल। देखो अभी हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ठंड नहीं हो रही है आज, काफ़ी मौसम गर्म है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बट फिर भी हम लोगों ने पहन रखा है। और ये देखिए, वाह राजन यार, गजब लोकेशन है यार ये तो। लोकेशन एकदम गजब है, इसीलिए तो कपल्स बहुत आते हैं यहाँ। इस लोकेशन की लोकेशन है क्या? हाँ ये बिल्कुल बैक साइड की है। ओके। हाँ यहाँ पे शौचालय है, यहाँ पे आप शौचा सकते हैं। ये देखिए शौचालय, उल्टा दिख रहा होगा शौचालय, सीधा दिखाते हैं। ये आपका शौचालय है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे धीरे धीरे, जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे शाम रंगीन होती जाएगी। और हम किसी के पर्सनल वीडियोस तो शूट नहीं करेंगे, हम लोग अपना वीडियो शूट करेंगे। और तुम अगर साथ चलना है तो आप साथ चल सकते हैं। तो ये होता है, तो हम आपको एक एक जगह का यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और इसी बहाने आप देखते रहिए हम लोगों को, क्योंकि ये सब कुछ पहले उतना तो अच्छा नहीं रह गया जितना पहले हुआ करता था, बट अब धीरे 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 मुझे लगता है पेंडेमिक अटैक जो आया था उसकी वजह से जो भी रुकावटें आई थी वो सब सही हो रही हैं। बट पेंडेमिक अटैक आना तो आए, जो बाबू सोना डुप्पी डोपा है ना, वो उनका आना बंद नहीं हुआ है। हम अपना ही वीडियो शूट कर सकते हैं, किसी और का वीडियो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर धोखे से वीडियो चली गई वायरल हो गई तो फिर बाद में ये दिक्कत होगी ना कि वो कौन था। मतलब माँ बाप तो डांटेंगे डाकेंगे, उनके दूसरे बॉयफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड कहेंगी तुम किसके साथ थे, तो खाली में वो बहाना नहीं बचेगा ना, दीदी थी, भैया थे, दोस्त थी, सहेली थी। तो ये है आपका बुद्धा पार्क, आप दिखा सकते देख सकते हैं इस तरीके को, ये बुद्धा पार्क है। फैमिली के तौर पे भी बहुत अच्छा है, बच्चे अक्सर यहाँ पे आया करते हैं। ये देखिए बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ है, ये बच्चों के लिए बहुत लाजवाब जगह है। और ये बुद्धा जी हैं, इन्हीं के नाम पर बुद्धा पार्क पड़ा हुआ है। ये हैं बुद्धा जी, इन्हीं के नाम पे आपका बुद्धा पार्क बना हुआ है, ठीक है। और मैं जिस लोकेशन जाना चाह रहा हूँ, जिस लोकेशन दिखाना चाह रहा हूँ, वो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बिकॉज जोड़े बैठे हुए हैं, और जोड़े बहुत कुछ जोड़े बैठे हैं, समझ रहे हो ना, जोड़े अपने अपने ऊँटों को जोड़े बैठे हैं, तो वो हम दिखा नहीं सकते हैं। भैया क्या बताएं, पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस में सब करना पसंद करते हैं, बट इनको हम अनुरोध करेंगे कि आप 18 साल की उम्र ऊपर हो गए तो आप जाइए होटल में जाइए, और यहाँ सब मत करिए। फैमिली आती है, देख लीजिए परिवार आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हर एक जोड़ा हर एक कोना ढूंढा करता है। ध्यान कुछ नहीं रखा गया, ये देखो व्लॉग कर रहे हैं लाला, और ये देखिए आप। अब हम लोग इस, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा बोटिंग के भी बहुत बढ़िया दे रखा है, यहाँ पे आप बोटिंग भी करते हैं। ये देखिए बच्चों के लिए मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, झूले बने हैं, वो धीरे धीरे करके हम दिखाते हैं। तो ये आपका जो पुल है, हम इस पुल पे चढ़ते हैं, उल्टा चढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए आपकी बोटिंग्स यहाँ पे होती हैं, और बच्चों के खेलने के लिए लोग ऐसा पिकनिक स्पॉट के तौर पर यहाँ पर अक्सर आते हैं, देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपने अभी देखा कि कैसे फैमिली एंजॉय कर रही है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपसे बोला कि कपल्स आते हैं और फैमिली आती है, फ्रंट कैमरा बंदा उधर नहीं लग रहा, ठीक है। फैमिली आती है या कपल आते हैं, मतलब मैंने इसलिए उसको बोला, एक लड़की थी वो अपना मुंह छुपा रही थी ऐसे करके,
तो मैंने उसको बोल दिया फ्रंट कैमरा बैग नहीं बन रहा है, उसको बताना भी ज़रूरी था। ठीक है, तो कपल्स अपना अलग रहते हैं एकदम कोना पकड़े हुए, जहाँ आपकी तिरछी निगाहें भी उनको नहीं देख सकती हैं। अब आप जब कपल बन के जाओगे, जब आप देख रहे हो, तो आप भी एकदम इस तरीके से जाओगे ना कि आपको कोई देख ना पाए, उसी तरीके से ये लोग भी छुप के जाते हैं। और फैमिली अपना अलग, देख लीजिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त, आप नौका का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं आराम से, पूरा एन्जॉयमेंट हो रहा है। बच्चे हैं ना वो पूरी तरीके से मज़ा लेते हैं, और बच्चों को ही मज़ा लेना चाहिए यहाँ पे। शेखर उससे प्राइस पूछना कितना है। हाँ हाँ पूछो पूछो, क्या प्राइस है चुडू? ये मेरा दोस्त बीड़ी पीता है। कितना देते हो, प्राइस क्या है? 60 रुपये पर बंदा, पर हेड, पर बंदा 60 रुपये पर बंदा है। ये देखिए झाड़ भर, ये देखिए छोटे से बच्चे हैं और वीडियो देखिए। इन बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा मिली है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और बीड़ी पी रहे थे, ज़्यादा एज है नहीं। और 60 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ठीक है उसका 60 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और काफ़ी कॉस्टली है एक हिसाब से देख लिया जाए। और छोटे हैं, ज़्यादा एज नहीं है, 10 साल हैं। पर बीड़ी और ये बस माँ बाप की तो गलती नहीं है, संगत का है, आप बचा के रखो अपने बच्चों से। ठीक है, ऊपर से बोल रहा था ए भैया वीडियो ना बना, हम बीड़ी पी रहे हैं तो मतलब वो देखने लायक था। अब ये देखिए बच्चा है, देख सकते हैं आप। और अब हम लोग इधर ही चल रहे हैं डायरेक्ट। अब सीधा सीधा हम लोग नीचे उतरते हैं और पूरे पार्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये आप हम लोग नीचे आ चुके हैं इस तरफ, सब बोटिंग का आनंद लेते हुए, लेकिन टिकट बहुत महंगा, 60 रुपये। बच्चों का बहुत बढ़िया तरीका है खेलने का, यहाँ पे सारे झूले हैं। लोकेशन भी बहुत तगड़ी है, एक वो थी जहाँ पे मशीनरी झूले होते हैं वो ख़राब हो चुके थे, और एक ये झूले हैं जो कि काफ़ी अच्छी हालत में है क्योंकि ये मशीनरी नहीं है। आपको कोशिश करी है वो सब चीज़ दिखाने की जो मैं दिखा सकता हूँ, और जितना हो सकता है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। हाँ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं दिखाए हैं, जैसे कि कुछ झाड़े खजारे, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अक्सर दो जोड़े एक दूसरे से चिपके हुए पाए जाते हैं, और उन जोड़ों को और उन जगहों को हम दिखा भी नहीं सकते हैं। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ आइए, यहाँ का टिकट 10 रुपये है, और पार्किंग का टिकट बाइक का 15 रुपये है। कार का पता नहीं, कार हम लाए नहीं तो हमें कार का पता भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ फैमिली फैमिली दिखाई पड़ रही है, अभी कपल्स कपल्स भी दिखते हैं। मतलब यहाँ पे ही बहुत अच्छा है, जैसे वो बंटवारा नहीं होता, एक देश का बंटवारा इधर, एक देश का बंटवारा इधर, वैसे जितनी फैमिली है वो बीचों बीच दिखेगी, और जितना कपल वाला आइटम मामला है वो सब आपको किनारे दिखेगा। और यहाँ पे जो ओवर ब्रिज जो बना हुआ है, हाँ हाँ, वो बिल्कुल जैसे रेलवे ट्रैक का नहीं बना होता है, वो वैसे ही बनाया गया है। ये वाले ओवर ब्रिज की बात कर रहा है, बहुत तगड़ा माहौल चल रहा है। ठीक है, देखो फैमिली वाले अपने घर वालों को क्या खिला रहे हैं मालूम है, खाना जैसे जो भी खा सकते हैं। और जो कपल्स होते हैं पता क्या खिला रहे हैं, आहा चुम्मा चाटी हम नहीं छोड़ी तुमका, ये हो रहा है। वो एक दूसरे को जूठा कर रहे हैं, जो कि हम लोग पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये पार्क बंद हो रहा होता है तब हाँ थोड़ा चुम्मा ले ले, इस तरीके का कुछ होता है। लोकेशन की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे आइलैंड नहीं होते हैं, टापू टापू होते हैं, और डिवाइड होते हैं एक नदी के द्वारा या सागर के द्वारा, वैसे ही कुछ बना हुआ है। जैसे कि वो मिडिल टापू है, ये आउटर एरिया है, उधर का वो अलग है। ये जो टापू है ना, इधर वाला टापू सब पारिवारिक टापू है, और इधर वाला टापू सब बाबू का टापू है तो बाबू टापू और पारिवारिक टापू, ऐसे वाला मैटर चलता है। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है तुम आए हो अपने एक्स के साथ। नहीं नहीं भाई, मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन राजन सच में यार बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना, अब अगली बार
अपनी बीवी एक्स के साथ आओगे, गर्लफ्रेंड के साथ आओगे कि हमारे साथ आओगे? शर्माओ नहीं, बताओ। सिंपल सी बात है यार, दोस्त लोगों के साथ जो मजा आता है ना, हाँ, किसी और पर्सन। अब वो जो किनारे जाड़े में बैठे मजा नहीं ले रहे हैं? नहीं नहीं, वो मजा नहीं चाहिए। मजे ले चुके, अब कह रहे हो मजा नहीं चाहिए? सब दुनिया का काम है, हमारा कोई काम नहीं बचा। मैं एक टापू। ये रहा आपका एक टापू, जैसा कि शेखर बताए थे ना, ये द्वीप की तरह लगता है। तो ये देखिए, ये है टापू, और बहुत जबरदस्त टापू है। शेखर पूरे मजे लेते हुए है। टापू के बीच में टापू भाई। टापुओं के बीच में टापू, उस टापू के बीच में बाबू। सो टापू एंड बाबू कॉम्बिनेशन होता है, मतलब बाबुओं का टापू उधर है। बिल्कुल। और जो बाबू जिनके हो चुके उनका टापू इधर है। समझ रहे हो? गाइस कितना गजब लग रहा है यार, मैं क्या बताऊं मैं तुमको। तो हम लोग देखिए, हम लोगों ने कर ली है बोट, और हम लोग को आ रहा काफ़ी मज़ा, और पैर हमारे धीरे धीरे दर्द भी होने लगे हैं। और वहाँ पे हम लोगों ने पूछा था तो हम लोगों को 60 रुपये का एक टिकट, बच्चे बता रहे थे स्कैम हो रहा था। और अभी हम लोगों ने वहाँ टिकट घर से टिकट लिया है, तो हम लोगों को इंडिविजुअल दो लोगों का 50 रुपये पड़ा है, और अगर हम लोग चार लोग शेयरिंग के साथ जाएंगे तो 30 रुपये पड़ेगा। तो आप स्कैम होने से बच जाइए, बच्चे भी स्कैम कर रहे हैं, जो बच्चे बीड़ी पी रहे थे ना वो, तो हर जगह स्कैम चल रहा है। बाहर आप मास्क लेंगे 10 का, अंदर लेंगे तो 5 रुपये का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इन्जॉय आ रहा है, काफ़ी मज़े आ रहे हैं। और आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, मज़ा आ रही कि नहीं आ रही है, और क्या मैं वो सब दिखा पा रहा हूँ जो आप देखना चाह रहे हैं कि नहीं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, लोगों को बोटिंग करने को मिल गया है, और हैंडल देखे रहे ना, और बोटिंग हम लोग ने सोचा आपको करा दें। और वहाँ जो हम लोगों ने बच्चों से पूछा था कि कितने का है, तो उन लोगों ने टिकट जो बताया था वो 60 रुपये का बताया था। और अभी हम लोगों ने यहाँ से जो टिकट लिया है वो 50 रुपये का दो मिल गया है विदाउट शेयरिंग, हम दो लोगों ने 25 रुपये का एक। अगर आपको और सस्ता चाहिए तो चार लोग अगर आप बैठ जाओगे तो 30 रुपये का। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रही है भाई, गोवा से कम नहीं है गोवा का माहौल यहीं पे मिल रहा है। और थोड़ा सा मोबाइल टाइट पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार गया ना फिर गया, पैर आपके चलते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप धीरे धीरे चलाएंगे तो पूरा आनंद लेके आएंगे, और तेज तेज चलाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो धीमे धीमे हम लोग चलाते हैं, कोई बोट तो है नहीं, तो धीरे 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 चल रहा है ये माहौल। सुंदर सुशील कन्या धीरे धीरे चला रहे, इसलिए बोला क्योंकि भैया चक्कर हो जाएगा पूरा, और फिर हम लोग एक चक्कर देंगे क्या, एक शॉट का है। समझने वाले समझ गए। इधर उधर 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 मोड़ो। हाँ, हमारा ड्राइवर ऐसा, हमारा ड्राइवर एरोनॉटिकल इंजीनियर है, छोटा मोटा ना अपना प्लेन के पुर्जे सब ठीक करता है। अब ये वाव वाव इसलिए कर रहे हैं कि आगे देखिए मज़ेदार चीज़ हुई है, जिसका हमको उम्मीद थी, और सब कुछ ब्लॉग्ड है, वीडियो तो बन ही रहा है। ये देखिए, और बहुत ही अच्छी बात है कि फंस गई है, जो कि हमें चाहिए था, और हम लोग का एक्सीडेंट हो चुका है। ड्राइवर ड्राइवर हैंडल उधर, हाँ गुड गुड गुड, धोने धीरे होने, तो छोड़ो पीछे खींचे, उधर हैंडल मोड़ो। देखिए ये एरोनॉटिकल इंजीनियर है, लेकिन अब आगे मोड़ो, लेकिन हम इसको सिखा रहे हैं कैसे गाड़ी चलाई जाती है। फिर मोड़िए, फिर पीछे मोड़िए, देखो। मतलब आप लोग को क्या लगता है कि मुझको
शिप का ड्राइवर कैप्टन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्योंकि भाई साहब को फिर से हाँ आगे मोड़ो, हाँ देखा हमारा ड्राइवर। आखिरकार हम लोगों ने ये बहुत ही मुश्किल घड़ी को पार कर लिया। और धीरे चलाओ, पैसा 50 दिया, 50 रुपये पेड़ मिलता है, धीरे चलाओ, घुटनों में दर्द हो रहा, इसे सोचो कोई बोले कहाँ हमारा गोड़ पिला रहा। अब देखो ये ड्राइवर, देखिए ड्राइवर इतना बकवास हो रखा हमारा, फ़ोटो सेल्फी क्यों नहीं है, फ़ोटो खींचने के चक्कर में सब बर्बाद कर देता है। आप यहाँ आके देख सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, जैसा आपको लगे आप यहाँ आइए, बताइए जो भी आपको फील हो। अगर आपको आराम से मस्ती माहौल वाला मज़ा लेना है तो आप यहाँ आके ज़रूर देखिएगा। शेखर दे, हाँ वही कह रहे हैं, देखो भाई हमारा सही कह रहा है, जल्दी चलोगे तो उतरवा लिए जाओगे, ठीक है। हाँ लोकेशन आप देखिए ज़बरदस्त है, आप बना लो। तुम उसके साथ मजे लेते, हम उसको देख के लाइन मारते, हम तो रड़ुआ। डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ रड़ुआ? लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है। तरने का जगह आ ही गई है, आगे वहाँ पे रोको और हम लोग का हो चुका है। हम बिना हेलमेट के रस्ता यात्रा करते नहीं है, ये हेलमेट ये रखा रहेगा। चलो हमारा व्लॉग खत्म हुआ, बहुत मज़ा आया यार यहाँ पे, हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ का जो माहौल था उसको आपने इन्जॉय किया होगा। और मुझे लगता है कि बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने हर चीज़ को यहाँ पे विजिट किया है। और हमने यहाँ पे नाव की जो जर्नी थी और यहाँ पे विजिट कराने की जो जर्नी थी वो यहीं पे समाप्त होती है। और आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको एक नए प्लेस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। हम न्यू प्लेस पे विजिट करने जा रहे हैं। नमकीन कहाँ? नमकीन का ध्यान जरूर रखिए। बिल्कुल, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना और यूँ ही अपना प्यार बनाए रखना। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।